वर्ल्ड, दिस इज खुशी जैन, और आज हम बनाएंगे बूरा। बहुत सारी जगह पे इसे खांड भी बोला जाता है। बहुत सारी मिठाइयाँ, मगज का लड्डू, गुजिया और पंजीरी, ये खांड के बिना अधूरी होती हैं। या हम किसी भी शक्कर दूध में मिला लेते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो आज हम देखेंगे बूरा या खांड कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले, यदि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और घंटी आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बूरा या खांड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 300 ग्राम चीनी लेते हैं, उसमें 100 ml वाटर डालते हैं। और गैस को ऑन करके शक्कर को इसमें घोल लेते हैं। देखिए अब ये बॉईल होने लगा है। जब इसमें इतना फेन दिखने लगे, मतलब हमारी चाशनी बनने वाली है। इसे हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए इसे ऊपर उठाते हैं। जब हमारी चाशनी एक के ऊपर एक दो बार टपकती है, मतलब इसे दो तार की चाशनी कहा जाता है, और ये बूरा बनने के लिए रेडी हो गई है। तो हम इसको चलाएंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर चलाते हैं इसी पे रख के, और हम फिर इसको स्टैंड पर नीचे उतार लेंगे। अब हम इसे तेज़ी से चला कर ठंडा करेंगे। इस टाइम हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, जब तक अब ये ठंडा नहीं हो जाता हम इसे तेज़ी से चलाते रहेंगे। अब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। देखिए ये जमने लग गई है। अब ये हमारा बूरा बनने के लिए रेडी है। अब हम जल्दी से इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और एक छन्नी में डालकर इसे जल्दी से चलाते जाते हैं, और चम्मच की सहायता से हम इसको प्रेस करके छन्नी से बाहर निकालते जाते हैं। ये बहुत गर्म होता है, आप इसे हाथ से मत छुइएगा। और बस देखिए ये हमारा बूरा बनकर रेडी है। देखिए कितना अच्छा बूरा बना है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।